गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना अकेडमी यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे, जहां भी हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है, वो है हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज को लेकर के। कुछ टॉपिक्स कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमें जो बात करना है उसी की श्रृंखला में, उसी का सीक्वल है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट गाइज, सो लेट्स कम ऑन गाइज। सभी लोग क्लास सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट मैक्सिमम। और जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब इट एज वेल। ठीक है, सो गाइज, हियर इज मी एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे है आप, अनअकैडमी यूपीएससी। राइट गाइज, सो इंडिया का द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स आर राइट हियर। ठीक है, आप उनको देख पा रहे एंड इट्स अबाउट मी, ये छोटी सी जानकारी मेरे बारे में, इट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, पॉलिटी ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप है। एंड इट्स अबाउट द यूपीएससी स्प्रिंट प्रोग्राम। इसी स्प्रिंट प्रोग्राम के अंतर्गत रात के 9 बजे हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। राइट, इसके अलावा जो दूसरी मेरी क्लास होती है दैट इज द पॉलिटी, वो 1 PM पे होती है। राइट गाइज, नेक्स्ट आ जाइए। अभी POP का जो प्रोग्राम है 2.0, दैट इज द होलिस्टिक प्रोग्राम, जो कि 2022 को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है आपके लिए। ये लगातार मैं करते रहा हूँ, पहले भी बीट के नाम से ही अनअकैडमी के ऐप पे चलता था, बिफोर एग्जामिनेशन असेसमेंट टेस्ट, देन POP हमने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर आई लॉन्च POP 2.0। यहाँ हमने शुरुआत करी है हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री की आज आखिरी क्लास है, और कल से हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। राइट गाइज, सो इससे होगा कि पूरा हिस्ट्री हमारा कवर हो जाएगा, देन वी विल एम्बार्क ऑन द अदर सब्जेक्ट्स। राइट गाइज, सो 10:15 रात को इसका टाइम है, यू पीपल कैन ज्वाइन मी। जो लोग अभी तक पहली बार जो ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी के ऐप को, सो इनवाइट कोड है दिस कॉल्ड द Pavan10, सो फ्री ऑफ कॉस्ट यू हैव टू ज्वाइन इट। राइट गाइज, सो चलिए आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं स्प्रिंट में, और इसमें हमें बात करना है प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। ठीक है गाइज, सो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, सो अभी ये समझ लीजिए कि अभी हमें जो नेक्स्ट जो डिस्कशन करना है वो करना है हमें अपने जो आई मीन व्हाट आई से दिस इज द प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में जो एक मिनट रुक जाइए, हमें जो आज शुरू करना है वो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, वो कहाँ से वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, सो गाइज हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से। हमें यहाँ से बात करनी है, हमें अपना जो काम शुरू करना है, जो चर्चा शुरू करनी है, हमें यहाँ से शुरू करना है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, राइट गाइज, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो दिस इज मी, ये हमें डिस्कशन करना है। राइट, सो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, सो देखिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये भी एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से आता है। ठीक है ना, जिसको जुलाई 2006 में जो है सो रिकग्नाइज किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में इसको शामिल किया गया था इन जुलाई 2016। ठीक है, और ये भारत का पहला फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट जो है वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट के कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इट इज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट जो है आपके पास क्या है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। अब ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, इसका जो लोकेशन है वो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड हमारा सिक्किम के अंदर। सो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो लोकेटेड है हमारा सिक्किम में है, और हैज बीन इंस्क्राइब्ड एट इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय फुलफिलिंग इट्स नॉमिनेशन क्राइटेरिया अंडर बोथ द नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट। इसको इसलिए मिक्स में बताया गया क्योंकि इसका जो नॉमिनेशन हुआ था दैट वॉज इन द बोथ द कैटेगरी नॉमिनेशन इन नेचुरल एंड जो है कल्चरल हेरिटेज, दोनों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, सो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में हम देखेंगे दिस इज द मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज कैटेगरी है, और ये नेचुरल एंड जो है कल्चरल हेरिटेज साइट के दोनों के लिए नॉमिनेशन क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता था। ठीक है, दैट्स वाई इट इज इन द मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैटेगरी, और रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया लास्ट ईयर इन द यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड मैप प्रोग्राम। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड मैप, मैन एंड जो है बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो रिसेंटली इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज मैप प्रोग्राम। सो वर्ल्ड का ये तीसरा हाईएस्ट पीक है माउंट कंचनजंगा, इज सिचुएटेड विद इन दिस पार्क। ठीक है ना, इसी वजह से इसका नाम जो रखा हुआ है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व रखा हुआ है। राइट गाइज, सो जो दुनिया का तीसरा हाईएस्ट पीक भी है, वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा इज सिचुएटेड विद इन दिस पार्क। न्यूमरस लेक्स हैं यहाँ पर, ग्लेशियर्स हैं इंक्लूडिंग द 26 किलोमीटर लॉन्ग जेमू ग्लेशियर्स इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। ठीक है ना, सो यहाँ देखेंगे कि जो जेमू ग्लेशियर है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, जेमू ग्लेशियर। राइट गाइज, सो चलिए अब इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। आजिए तो ये हम लोग लोकेशन देख पा रहे होंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, डन गाइज, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास है न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये क्या है न्योरा नेशनल पार्क, ये भी हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कंटिग्यूस जोन है बिटवीन सिक्किम एंड जो है हमारे पास किसके पास है,
दैट इज सिक्किम एंड भूटान के पास है, राइट गाइज? सो सिक्किम एंड भूटान के पास है, ठीक है, ठीक है गाइज? सो इट इज अ कंटिग्यूस विद सिक्किम एंड भूटान एट इट्स नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज रिस्पेक्टिवली एंड लिंक्स द पैंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम एंड तुर्सा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ऑफ भूटान, ठीक है ना? सो न्योरा वैली रिजर्व, ये जो है आपको देखने को कहा मिलता है, एक कंटिन्यूस जोन के रूप में देखा, लगातार जोन दिख रहा है कहाँ से, सिक्किम और भूटान के बीच में, सिक्किम एंड भूटान एंड इट्स नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना? एट इट्स नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज के पास रिस्पेक्टिवली, सो सिक्किम के नॉर्थ में और भूटान के नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में ये आपको देखने को मिलता है रिस्पेक्टिवली, और ये लिंक करता है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है पैंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम, ठीक है ना? ये जो है कहाँ है, पैंगो लाखा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज लोकेटेड इन सिक्किम, ठीक है? और तुर्सा डिस्ट्रिक्ट जो वैली रिजर्व है, तुर्सा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ऑफ भूटान, इसके अंतर्गत ये जो है सो आपका लोकेटेड है, तुर्सा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ऑफ भूटान, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंचनजंगा लैंडस्केप। अगर हम लोग देखें जो न्योरा वैली है तो जो कंचनजंगा का पूरा कपड़ा लैंडस्केप है उसी के पार्ट के रूप में आपको दिखाई देता है, दैट इज अपीयरिंग लाइक दैट, ठीक है? सो इट इज अ कंटिग्यूस जोन जो विद सिक्किम और भूटान के साथ है, सिक्किम के नॉर्दर्न पार्ट में है और भूटान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये बाउंड्रीज पे आता है एंड लिंक्स द पैंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम, ठीक है ना? और सिक्किम में ये जो है लिंक होता है किसके साथ, जुड़ता है किससे, तो पैंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी याद रखेंगे पैंगो लाखा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, दैट इज इन द सिक्किम, एंड जो तुर्सा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व है दैट इज इन द भूटान, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंचनजंगा लैंडस्केप। कंचनजंगा लैंडस्केप का ये भी इंटीग्रल पार्ट है, राइट? और इसका जो हाइएस्ट पॉइंट है, जो हम लोग अगर बात करें जो हाइएस्ट ऊंचाई है जो पॉइंट है यहाँ पे में, दैट इज कॉल्ड राचेला डांडा। इट इज अ लैंड ऑफ द एलिगेंट रेड पांडास, ठीक है ना? और ये जो राचेला डांडा है दैट इज नोन फॉर रेड पांडास, ये रेड पांडा के लिए जाना जाता है, दैट इज नोन फॉर रेड पांडास, ठीक है? सो हाइएस्ट पांडा इसमें मिलता है, हाइएस्ट पॉइंट है पांडा का इज राचेला डांडा एंड इज द लैंड ऑफ एलिगेंट रेड पांडास, ठीक है ना? रेड पांडा के रूप में ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट गाइज? सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, केवल आपको लोकेशन ही ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि मैं बार बार कहता हूँ कि इसके बारे में जो भी स्पेसिफिक बातें हैं, चाहे इट इज रिलेटेड टू योर ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कुछ भी इससे भी जुड़ा हुआ है और जो है फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसको डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही सवाल आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जनरली जो आपके छोटे मोटे जो एग्जाम्स हैं वहाँ तो आप देख लेंगे हाँ इसका लोकेशन कहाँ है, किस स्टेट में, एक्सेट्रा, बट इट इज़ नॉट सफिशियंट, ठीक है ना? आपको इससे कहीं कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको अपनी पूरी नज़रें खोल के रखनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूरा अभी सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें पूछी जा रही है, क्यों ये न्यूज़ में रहा है, एक्सेट्रा, तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? डन। सो इट वॉज न्योरा वैली नेशनल पार्क दैट वी डिस्कस गाइस, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए, न्योरा हमने देख लिया। सो न्योरा का लोकेशन भी आप देखेंगे, ये दिस इज़ योर सिक्किम, ठीक है ना? ये आप देख पा रहे हैं सिक्किम है, सिक्किम का लोकेशन है एंड दिस इज़ योर यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल। तो ये न्योरा नेशनल वर्जिन फॉरेस्ट एंड रेड पांडा के लिए जाना जाता है, न्योरा नेशनल पार्क। राइट साइड में आपके पास देखेंगे वो आपको क्या दिखता है, भूटान दिखता है, राइट गाइज? चलिए सो आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बात करना है संजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना? अगर इसके बारे में बात करें तो ये संजना खली नेशनल पार्क है जो आप देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये कहाँ लोकेटेड है, ये पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सुंदरबंस डेल्टा इन द साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंतर्गत लोकेटेड है, राइट गाइज? सो कहाँ लोकेटेड है ये, तो ये लोकेटेड है आपके पास सुंदरबन डेल्टा में, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट राइट ऑफ द सुंदरबन डेल्टा इन साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है? एंड ये जो है यहाँ आप देखेंगे जो संजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें डोमिनेंट जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा वो वेजिटेशन हैं जो जनरली स्वैम्प में आते हैं, दलदली भूमि में आते हैं, जैसे मैनग्रोव दिखाई देगा, फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जनरली आप देखेंगे वो सारी चीज़ें। सो लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सुंदरबन डेल्टा इन साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वेस्ट बंगाल में, डोमिनेट करता है ये मैनग्रोव स्कर्ब से, फॉरेस्ट से एंड स्वैम्प से, राइट गाइज? इतनी बातें हो गई, डन। अब देखिए ये जो है ना, इसको देखेंगे इट इज़ अ होम टू अ रिच पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें कौन कौन सा, जैसे कि वाटरफॉल, आप देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ में है वो आपको देखेगा यहाँ पर वाटरफॉल, हेरॉन भी आप देखेंगे, पेलिकन, स्पॉटेड डियर, रीसस मकाऊ, वाइल्ड बोअर, टाइगर्स, वाटर मॉनिटर लिजार्ड्स, फिशिंग कैट्स एंड ऑटर्स, ऑलिव रिडली टर्टल जो है ऑलिव रिडली, क्रोकोडाइल्स, बाटा गौर, टेरापिन्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। सो दीज आर द डोमिनेटेड वाइल्ड लाइफ जो कि आप यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, राइट गाइज? सो होम टू रिच पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज वाटरफाउल, हेरॉन,
पेलिकन, स्पॉटेड डियर, रीसस मकाउस, वाइल्ड लाइफ बोर टाइगर्स, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स, फिशिंग कैट्स, ऑटर्स, ऑलिव रिडले, टर्टल, क्रोकोडाइल्स, बाटागोर, टेरापिन्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, दीज आर हियर ओनली। ठीक है, सो आप देखेंगे ये आपको जो लोकेशन है, ये आप देखेंगे जो लोकेशन है पश्चिम बंगाल में जो सजना खली है, ठीक है ना, जो 24 परगना, जो कि आप जानते हैं सुंदरबन का डेल्टा का क्षेत्र है, यहीं पर में ये लोकेटेड है। दैट इज कॉल्ड सजनी खली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज द लोकेशन ऑफ दैट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि जब भी आप इस क्लास को करें तो आपके पास जो है आपके पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए, एटलस होना चाहिए, ताकि आप इसको मैटलस पे भी मार्क करते चले, ठीक है ना, और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको सीधे वहाँ पर नोट डाउन कर लिया करें, जो भी स्पेसिफिक बातें हैं। ठीक है गाइज, चले इतनी बातें हो गई सभी की, चले दैट्स डन नाउ। सो सजना खली, दिस इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज लोकेटेड हियर सुंदरबन डेल्टा 24 परगना के सदर्न पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आज ये हम लोग बात करेंगे नॉर्थ क्रेक जो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है, नॉर्थ क्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन मेघालय, नॉर्थ क्रेक। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन कहाँ पे है, ये आपका मेघालय में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मेघालय प्लाटू के अंतर्गत एक रेंज आता है, दैट इज कॉल्ड तूरा रेंज, ठीक है ना, तूरा, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, इट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लाटू, ठीक है ना, मेघालय प्लाटू का, मेघालय का जो पठार है उसका एक हिस्सा है, ठीक है ना, और इसका लोकेशन आपको देखने को मिलेगा तूरा रेंज के ऊपर में, तूरा रेंज, राइट गाइस, सो तूरा रेंज में, सो लोकेटेड ऑन द तूरा रेंज विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लाटू, ठीक है ना। एंड जो हम देखेंगे कि जो नॉर्थ क्रेक है जिसके नाम पर में इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रखा गया है, बेसिकली इट इज अ पीक, और ये हाईएस्ट पीक है आपके पास, किसके पास हाईएस्ट पीक है, गारो हिल्स का, ठीक है ना। आप देखेंगे जैसे आप मेघालय देखिएगा, मेघालय का लोकेशन ये आपको दिखता है, तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन आपके पास जो है यहाँ पर हिल्स दिखाई देते हैं, तो गारो, खासी और ये जयंतिया, तो ये गारो पे है, गारो हिल्स के ऊपर में दैट इज लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ क्रेक। ठीक है, तो ऐसे भी कभी आपको लोकेट करने के लिए अगर आ जाए कि ये कहाँ है, ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, देन यू कैन डू इट। सो नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज हियर ओनली, गारो, खासी, जयंतिया ये होती हैं, तो दिस इज ऑन द गारो, गारो का ये हाईएस्ट पीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, और लोकेटेड किस पे, तूरा रेंज के ऊपर है। तो ये सारी बातें जो फिजिकल एस्पेक्ट है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, जनरली यू विल नॉट फाइंड सच अ थिंग्स इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना, बट दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसके पूछने की जो शैली है वो समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सो इसी के एस्पेक्ट से तो आप लोग उस पर बड़ा मिक्स करते हैं, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी और योर एनवायरनमेंट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज इन द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। ठीक है, सो नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया मेघालय के अंदर, लोकेटेड है क्या, तूरा रेंज में, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लाटो, ठीक है ना, और ये नॉर्थ क्रेक है, नॉर्थ क्रेक जो कि हाईएस्ट पीक है किसका, दैट इज ऑफ गारो हिल्स के ऊपर में। ठीक है, अब ये नॉर्थ क्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है, सो लिस्टेड अंडर द यूनेस्को's मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत ये लिस्टेड है, राइट। सो नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन मेघालय, लोकेटेड ऑन तूरा रेंज विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लाटो, एंड नॉर्थ क्रेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स, इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं, एंड इट इज लिस्टेड अंडर द यूनेस्को's मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गनॉल, दरिंग एंड सिमसांग रिवर्स आर द पेरिनियल रिवर्स पासिंग थ्रू द बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपसे कहा है कि फिजिकल एस्पेक्ट में कोई भी ऐसा चीज है जो ना छूट जाए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपके पास नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कुछ रीजनल रिवर्स हैं जो पेरिनियल है, पेरिनियल रिवर्स का मतलब ये होता है वो नदियां जो सदाबहार हैं, जो हमेशा जिसके अंदर पानी होता है। ठीक है, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट जो रीजनल रिवर्स हैं, जो छोटे छोटे रिवरलेट्स हैं, बेसिकली पेरिनियल रिवरलेट्स हैं, वो है आपके पास गनॉल, ठीक है, दारिंग एंड सिमसांग, ये रिवर याद रखिएगा, दैट फ्लोज थ्रू दिस नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। सो गनॉल, दारिंग एंड सिमसांग रिवर्स आर द पेरिनियल रिवर्स पासिंग थ्रू द बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बात समझ गया ये। अब हम लोग बात करें सिमसांग के बारे में, थोड़ा सा सिमसांग के बारे में बात करें, देयर इज समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द सिमसांग। जो सिमसांग है ये ऑरिजिनेट करता है इन द नॉर्दर्न नॉर्थ ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जो नॉर्थ क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है इसके उत्तरी हिस्से से सिमसांग ऑरिजिनेट करता है, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कहां से होती है, नॉर्थ ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो दारेंग है, दारेंग जो दूसरी नदी है, ये सदर्न पार्ट से, सदर्न जो पीक है ना, फॉर्म्स द सदर्न पीक्स, एंड जो गनॉल है दैट फ्लोज वेस्ट वार्ड इन टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि जो सिमसांग है वो आप इसके जो है सो उत्तरी हिस्से से निकलती है, और उसके बाद जो दारेंग है, दारेंग जो है नॉर्थ क्रेक जो पीक है उसके सदर्न पार्ट से आता है, और जो गनॉल है वो इसके वेस्टर्न साइड से फ्लो करता है। इसका मतलब ये हो गया, इफ यू इमेजिन दिस कि नॉर्थ क्रेक पीक है तो इसके नॉर्दर्न पार्ट से, नॉर्दर्न पार्ट दैट इज द दिस साइड, नॉर्दर्न पार्ट
तो यहां से आपके पास निकलते हैं कौन सिमसांग, इसके सदर्न पार्ट से निकलता है यह कौन दारिंग, ठीक है, दिस इज दारिंग, दिस इज सिमसांग, और इट इज योर वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो दिस इज योर गनोल रिवर, गनोल रिवर जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और जो है ये ड्रेन करते हैं किसमें, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंतर्गत करती है। तो सीधा सवाल भी आपसे बन सकता है कि जो गनोल रिवर है, गनोल रिवर वो किसकी सहायक नदी है, तो इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो गनोल जो रिवर है ना, गनोल फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। सिमसांग रिवर इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट, ठीक है ना। और इन तीनों नदियों में अगर हम लोग बात करें गनोल के बारे में, दारिंग के बारे में और सिमसांग के बारे में, तो जो सिमसांग है ना रिवर, ये लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। सो सिमसांग इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। इतनी बातें सभी लोग समझ गए, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, तो इतनी बातें कम से कम आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। इसी अप्रोच के साथ आप पढ़िए, ठीक है ना, इसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इसका लोकेशन भी देख लें नॉक क्रेक के बारे में, तो देखेंगे ये आपके पास, ये जो है आपके पास ये है बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा इंसर्टेड जो पार्ट है दिस वॉल बांग्लादेश, दिस इज योर बांग्लादेश, ठीक है ना, ये बांग्लादेश है, ये इंसर्टेड दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे बांग्लादेश के अंदर ही यहां पे ये है मेघालय प्लाटो, दिस इज योर मेघालय, ठीक है ना, दिस कॉल योर मेघालय। ये अगर मैं बात करूं तो दिस इज द मैप ऑफ मेघालय, इसी में ये है गारो, खासी और ये जयंतिया, ये गारो हिल्स के ऊपर में अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझा देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। सो दिस इज योर गारो, ये दिस इज योर गारो, दिस इज योर खासी और दिस इज योर जयंतिया, ठीक है ना। सो ये जो गारो हिल्स है ना, ये गारो, गारो हिल्स, इसी के ऊपर में नॉकरेक है और नॉकरेक इसका हाईएस्ट पीक भी माना जाता है। यहां से तीन रिवर सिस्टम आपके पास निकल के आते हैं, सिमसांग, दारिंग और जो है आपका गनोल। तो उत्तरी पार्ट से हो गया सिमसांग, दक्षिणी पार्ट से हो गया आपके पास क्या है दारिंग, एंड जो है वेस्टर्न साइड में फ्लो करता है दैट इज योर गनोल, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है गाइस। चलिए इतनी बातें हो गई हमारे पास, नेक्स्ट आ जाइए। अब ये हम लोग बात करें बेतला नेशनल पार्क के बारे में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बेतला नेशनल पार्क इज अगेन इंपॉर्टेंट, बेतला नेशनल पार्क, ये जो है हमारा झारखंड में लोकेटेड है। बेतला नेशनल पार्क छोटा नागपुर प्लाटू का रीजन का हिस्सा है, दैट फॉर्म्स द छोटा नागपुर प्लाटू का हिस्सा है। इस नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लाटू इन लातेहार एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है ना, ऑफ झारखंड। सो बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क इज नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर एंड प्लाटू इन द लातेहार एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यस गाइस, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। बेतला जो है इसमें फीचर्स आपको दिखाई देंगे, वाटरफॉल्स दिखता है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स दिखाई देंगे ऑन वन हैंड, एन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग 6th सेंचुरी फोर्ट ऑफ चेरो किंग्स ऑन द अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों चीज़ें आपको दिखते हैं, इसका जो इंपॉर्टेंस है बेतला नेशनल पार्क का, तो यहाँ देखेंगे कि जो ट्राइबल के समय के कुछ कई जो आपके जो रॉयल फैमिलीज थी, डायनेस्टीज थी, उनके महल वगैरह अभी भी उसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। और ये 16वीं शताब्दी का जो फोर्ट है दैट इज कॉल्ड चेरो किंग्स का, वो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बेतला में आप देखेंगे कई वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स जो कि नेचुरल हैं, हॉट स्प्रिंग्स में हैं, ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं ऑन वन हैंड, ठीक है ना। सो दे आर नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स, सो बेतला नेशनल पार्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड 6th सेंचुरी के फोर्ट चेरो किंग्स के भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ कोयल रिवर है, यहाँ से बहती है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ दिस पार्क। ये जो बेतला नेशनल पार्क है इसके जो है सो देखेंगे इससे और इसकी कई सहायक नदियां हैं जो इस बेतला नेशनल पार्क के उत्तरी हिस्से से प्रवाहित होती हैं। एक तो हो गया इसमें नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है ना, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इसके उत्तरी हिस्से से प्रवाहित होती हैं, ठीक है, थीके? इतनी बात समझ गए हम लोग, सो डन। सो दिस कॉल्ड बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। सो बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड राइट हियर, दिस इज द लोकेशन ऑफ बेतला नेशनल पार्क, ठीक है ना, बात हम लोग समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अगर हम देखें तो ये झारखंड का ये मैप आपको दिखेगा यहाँ पे। सो आई एम जस्ट ड्राइंग नेशनल पार्क ऑफ जो है आपको मैं दिखा दूँ, दिस इज द ये ऐसे होगा, झारखंड का तो काफ़ी मैप बनाया है हमने, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा ये मुश्किलात में आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो गए दिस वन, सो ऐसे कुछ है, ये यहाँ से ये ऐसे जाता है ये, ठीक है, दिस इज योर झारखंड जो है, ये झारखंड का दिख रहा है ये बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। सो दिस इज योर चैटलस जो है, सो बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड राइट हियर, ठीक है। सो ये इसका लोकेशन है, डन हो गया हमारे पास, ठीक है। सो बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए हम लोग बात करें
पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना। सो पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लें। सो पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ लोकेटेड है, तो आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है पापीकोंडा, ठीक है ना। और एक हिल्स है छोटा सा है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ये है पापी हिल्स, इन दोनों के बीच में है, ये बीच में आता है ये पापी हिल्स, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी, तो यहीं पर पापीकोंडा लोकेटेड, जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ये पापी हिल्स के बीच में और ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी के बीच का ये क्षेत्र माना जाता है, ठीक है गाइस, ठीक है। और इस नेशनल पार्क से होकर के गोदावरी रिवर फ्लो करती है, गोदावरी रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क, ठीक है ना। और इसी से होकर के गोदावरी नदी आपके क्या होती है, प्रवाहित होती है। एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड होम टू सम एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है एंड होम टू सम एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट यू पीपल कुड फाइंड राइट ओवर हियर, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड होम टू सम एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना यू विल फाइंड पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापी हिल्स में, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। गोदावरी रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क, इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, होम टू सम एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इतनी बातें हो गई, डन नाउ। सो अभी देखें पापीकोंडा के बारे में हम देखें, तो ये आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है, ये देखेंगे दिस इज योर आंध्र प्रदेश, इसी आप आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है, दैट्स कॉल्ड पापीकोंडा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए हम लोग देखें भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है ना, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, राइट गाइस। ये जो है ये हमारा लोकेटेड है कहाँ पे, तो ये गोवा में मोलेम जो नेशनल पार्क है, ये जो मोलेम है, ये जो हमारे पास भगवान महावीर सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क, दैट इज लोकेटेड इन गोवा। और अगर गोवा के बारे में बात करें तो ये हमारा ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट का ये हिस्सा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। सो लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स इन गोवा स्टेट अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर विद द कर्नाटका, ठीक है ना, और ये जो कर्नाटक है उसके पूर्वी जो बॉर्डर के इलाके के पास जो है सो आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। सो लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, बात करें लोकेटेड इन द गोवा, ठीक है ना, एंड दैट शेयर बॉर्डर्स विद द ईस्टर्न बॉर्डर विद द कर्नाटका, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि जो भगवान महावीर सेंचुरी जो मोलेम नेशनल पार्क है इसके बीच से यहां से एक हाईवे गुजरती है, नेशनल हाईवे 4A दैट डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना। सो ये दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो नेशनल हाईवे 4A है दैट पासिस थ्रू भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है ना, एंड इट इज होम टू वाटरफॉल्स सच एज दूध सागर फॉल्स एंड तमदी फॉल्स, ठीक है ना, जिसमें कई आपको वाटरफॉल्स देखेंगे, जल प्रपात देखने को मिलता है, इसमें एक है दूध सागर फॉल्स और दूसरा है तमदी फॉल्स, ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड ये जो है ये पार्कलैंड का स्केप लैंडस्केप ये आपको प्रेजेंट करता है, पार्कलैंड स्केप जो लैंडस्केप है उसको ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो पार्कलैंड एंड इज ऑल्सो होम टू कम्युनिटी ऑफ नोमैडिक बुफालो हर्डर्स नोन एज धांगर, ये याद रखिएगा, धांगर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये जो है ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है जो बुफालो हर्डर हैं, ये बुफालो हर्डर भैंस को चराने वाले लोग हैं, नोमैडिक हैं, जो धांगर हैं वो यहाँ पर में इस पार्कलैंड में, यानी जो भगवान महावीर और जो मोलेम नेशनल पार्क है, यू विल फाइंड इट, दैट इज वेरी मच अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको भी प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो पार्कलैंड इज ऑल्सो होम टू कम्युनिटी ऑफ नोमैडिक बुफालो हर्डर्स नोन एज धांगर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं महादई रिवर, ठीक है ना, महादई रिवर के बारे में बात करें, महादई रिवर इसको हम लोग मांडोवी रिवर के जो है उसके नाम से भी जानते हैं, मांडोवी रिवर्स, तो ये जो है इससे होकर के ना एक नदी बहती है इस सेंचुरी से होकर, दैट इज कॉल्ड महादई, ठीक है ना। सो दिस कॉल्ड महादई रिवर दैट पासिस थ्रू इट, दैट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है, महादई रिवर जिसको हम लोग मांडोवी रिवर के नाम से भी जानते हैं, फ्लोज थ्रू द सेंचुरी, ठीक है ना, इसी सेंचुरी से होकर के महादई रिवर भी आपकी गुजरती है, नोन एज मांडोवी रिवर फ्लोज थ्रू द सेंचुरी, ठीक है। और इसमें एक जो है इस सेंचुरी के अंतर्गत एक वाटरफॉल है जिसका नाम है वज्रा साकला वाटरफॉल्स लोकेटेड इन द सेंचुरी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी भगवान महावीर सेंचुरी के बारे में, मोलेम नेशनल पार्क के बारे में, दिस इज द हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 4A दैट डिवाइड्स इन द टू पार्क, ये लैंड पार्कलैंड का लैंडस्केप पेश करता है, ठीक है ना, और यहाँ पर में एक जो नोमैडिक कम्युनिटी है बुफालो हर्डर की दैट इज नोन एज धांगर वो यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ देखेंगे एक रिवर है जिसका नाम है महादेई या इसको मांडोवी रिवर बोलते हैं, दैट फ्लोज थ्रू दिस सेंचुरी,
कौन सा? महादेई रिवर, ठीक है ना, महादेई रिवर. सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट वन. एंड जो वज्र साकला है वाटरफॉल, दैट इज लोकेटेड इन दिस सैंक्चुअरी. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड गाइज, ठीक है ना. सो इतनी बातें हम लोग चलें, ठीक है, इतनी बातें सब लोग समझ पा रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो ये हो गया महावीर जो है सेंचुरी एंड मालम नेशनल पार्क के बारे में, राइट. सो यू कैन सी इट हियर, मालम नेशनल पार्क, ठीक है, हो गया गाइस, ठीक है, डन. सो या हियर इज योर गोवा, ठीक है ना, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन मोलेम, दिस इज द लोकेशन, गोवा और ईस्टर्न कर्नाटका के साथ ये जो है बॉर्डर ये शेयर करेगा, ठीक है. चलिए इतनी बातें हो गई हमारे पास, डन, आ जाइए नेक्स्ट. सही, हम लोग बात करें मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बारे में, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो मुकुंदरा जो टाइगर रिजर्व है, दैट इज लोकेटेड इन मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड कहाँ है? ये राजस्थान में लोकेटेड है मुकुंदरा, पहले तो बात ये जान लीजिए, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर. और इसका जो दूसरा नाम है, इसको जो है दारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज, पॉपुलरली नोन एज दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है. और राजस्थान के चार जिलों में ये विस्तारित है, ये इसका एक्सपेंशन है, एक्सपेंडेड इन द फोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, बूंदी, कोटा, झालावर एंड चित्तौड़गढ़. ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं, जो लोग आरएएस का पेपर देते हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान में जरूर रखिएगा कि ये किन किन जिला से होकर के गुजरता है. अभी आपका कुछ दिन में आपका मेंस भी होने वाला है राजस्थान का, इसी महीने शुरू होने वाला है, तो आप में से कई लोग राजस्थान में भी बिजी होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा, तो अभी कुछ इश्यूज वगैरह आ गए थे, तो मेरे कई स्टूडेंट हैं जो दे रहे हैं राजस्थान पीसीएस भी इस बार, ठीक है ना. सो दे क्वालिफाइड देयर प्री एंड वो मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो अभी उनका पेपर भी टल गया था, ठीक है. तो अभी फिर से वो इसी मंथ में, अभी 21, 20 और 21 को आपका पेपर है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है अगर कभी कुछ आता है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, तो इसको हम लोग दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, राजस्थान में लोकेटेड और राजस्थान के चार जिलों से होकर के गुजरता है, बूंदी, कोटा, झालावर और चित्तौड़गढ़, ठीक है ना. और ये याद रखिएगा, वहाँ पर मैं एक दो चीज़ें हैं, वैसे तो रीजन थोड़ा सा कम हो गया आरएस के अंतर्गत, ठीक है. तो आप देखेंगे क्या कि जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन है, जैसे हड़ौती क्षेत्र कौन सा है, सिखावटी क्षेत्र कौन सा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आते हैं, फॉल करते हैं, इसको थोड़ा सा मैप पे बढ़िया से कर लीजिए जिनको आरएस का पेपर होगा, ठीक है. सो स्प्रेड इनटू फोर डिस्ट्रिक्ट्स, बूंदी, कोटा, झालावर एंड चित्तौड़गढ़, राजस्थान. एंड ये जो है हमारे पास राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है, थर्ड टाइगर रिजर्व है, तीसरा टाइगर रिजर्व इनफैक्ट है, थर्ड टाइगर रिजर्व इन राजस्थान है आफ्टर रणथंभौर एंड सरिस्का. ये दो और यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर और सरिस्का, जो राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है ना. और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं वो है हमारे पास मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, दैट इज ऑल्सो इन द राजस्थान, ठीक है ना. सो तीन जो है रणथंभौर, सरिस्का एंड देन इज योर, दिस इज योर मुकुंदरा, ठीक है, टाइगर रिजर्व. और अगर हम बात करें तो यहाँ से अब देखेंगे कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी इसके पास से गुजरती है, तो चंबल नदी के पूर्वी किनारे से लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर, ये मुकुंदरा रिवर जो मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर रिजर्व है, वो लोकेटेड है, ठीक है. सो इसके जो चंबल नदी है उसके पूर्वी हिस्से पे, ये पूर्वी जो ईस्टर्न बैंक है वहाँ पर मैं आपके मुकुंदरा टाइगर रिजर्व चंबल नदी के पूर्वी तट पे है. और साथ ही साथ जो चंबल नदी की कई सहायक नदियाँ हैं जो इस मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती हैं, ठीक है ना. सो ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर एंड इज ड्रेन्ड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना. इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ये क्या होता है, ये ड्रेन किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइज. सो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ये हमें देख लिया. सो दिस इज योर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राइट ओवर हियर, ठीक है गाइज, समझ गए ये सारी बातें, इज इट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, है या नहीं है? है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. नाउ हम लोग एक नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में. भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात करें तो जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत लोकेटेड है, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी कहाँ लोकेटेड, दैट इज इन उड़ीसा, ठीक है ना. और उड़ीसा का केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लोकेटेड है. और ये अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा के अंतर्गत ये दूसरा रामसर साइट है आफ्टर जो है सो भीतरकनिका जो है ये चिल्का जो ये सॉरी क्या नाम है चिल्का लेक के बाद जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इट इज़ द सेकेंड रामसर साइट विद इन द स्टेट ऑफ द स्टेट, सेकेंड रामसर साइट जस्ट आफ्टर चिल्का लेक. सो लोकेटेड इन द केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा एंड इट इज द सेकेंड रामसर साइट ऑफ द स्टेट आफ्टर चिल्का लेक, ठीक है ना, बात समझ गए. एंड इट इज सराउंडेड बाय भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना. और ये जो है ये जो लाइफ साइट है चिल्का लेक है ना, इट इज सराउंडेड बाय भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी, ठीक है गाइज, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है डन. अब ये देखें, इट इज सराउंडेड बाय भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेशनल पार्क. अब यहाँ पर मैं देखेंगे कि दो बीचेज भी आपको देखने को मिलते हैं, एक है गहिरमाथा बीच जो है एंड मरीन सेंचुरी.
सो गहिरमाथा बीच एंड मरीन सेंचुरी आर द ईस्ट आर टू द ईस्ट ऑफ दिस भितरकनिका नेशनल पार्क गहिरमाथा बीच ठीक है ना एंड मरीन सेंचुरी आर टू द ईस्ट ऑफ दिस एंड दैट इज सेपरेटिंग स्वैम्प रीजन एंड मैनग्रोव्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल जो इसको स्वैम्प दलदलीय क्षेत्र से एंड मैनग्रोव से फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल से ये इसको क्या करता है अलग करने का काम करता है दैट सेपरेट्स ठीक है ना सो गहिरमाथा बीच एंड मरीन सेंचुरी आर टू द ईस्ट एंड सेपरेटिंग Swamp region and mangroves from the west of Bay of Bengal. Right guys? So this is Bhitarkanika National Park. Is it clear? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया ठीक है ना और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सो आपको देखिए आपको नाउ यू हैव टू बी सो भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ग्रोन अप करना पड़ेगा तो थोड़ा सा ग्रोन अप होकर तैयारी कीजिए किड की तरीके से प्रिपरेशन करना बंद कर दीजिए ठीक है ना सो थोड़ा सा ग्रोन अप होकर तैयारी कीजिए क्योंकि बहुत प्रोफेशनल अंदाज में ही आप जब प्रिपरेशन करेंगे ना तैयारी करेंगे तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे वरना आप मेहनत करने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है और तैयारी भी आपको बहुत पूरे संसार में करवाया जा रहा है इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है आप भी तैयारी करते हैं बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं लेकिन उस समय बड़ा दुख होता है जब आपका रिजल्ट नहीं होता है प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक स्क्रीनिंग टेस्ट है लेकिन आप में से कई लोग इसी चरण में छंट जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हम में से कितने लोग गंभीर छात्र हैं वरना हमें अपनी गंभीरता का परिचय देना चाहिए हमें अपने सपने को साकार करने का पूरा प्रयास करना चाहिए मैं बार बार आपको इस तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम के डिमांड को समझने की कोशिश कीजिए चेष्टा कीजिए कि क्या है इंपॉर्टेंट और जो बचा हुआ समय है उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करना है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ठीक है ना और तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है ठीक है ना सो तैयारी का स्तर तैयारी के लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो आपको खुद विकसित करनी होगी आपको समझना पड़ेगा और ये जब तक आप अपने पिछले साल के प्रश्न पत्रों का ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे मैं आपको पिछले लगभग तीन साल से इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ हूँ लगभग तीन साल से और मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करके बताऊँ आपको बताऊं दूसरा है कि जब से मैं यहाँ हूँ तब से मैंने हमेशा टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट किया है पर्सनली एक नहीं दो नहीं तीन कई टॉपर्स से आपके साथ इंटरेक्ट किया है कुछ सर्विंग ब्यूरोक्रेट के साथ भी तैयारी किया है जिन्होंने अभी हाल ही में आईएएस किया है जो अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं कहीं कोई आईआरएस है तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है तो कभी लगा तो आपके लिए मैं उनके साथ बातचीत करके आपके लिए भी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ तो उनकी एक्सपीरियंसेस को आप शेयर किया करें आप मेरे नाम से सर्च करेंगे पवन सर के नाम से तो तमाम आपको इंटरव्यू आपको दिख जाएगा रिया डावी जी का दिख जाएगा लेट्स क्रैक के ऊपर में यस जो लोग का फोर्थ जो ऑल इंडिया फोर्थ रैंक है वो दिख जाएंगे सो टेंथ रैंक का भी दिख जाएगा बहुत सारे लोगों का आपको दिख जाएगा मेरे साथ इवन लास्ट ईयर का ऑल इंडिया रैंक वन का प्रदीप जी का भी इंटरव्यू मैंने किया था आपके लिए तो ये इसलिए करता रहता हूँ ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपको तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए ठीक है ना आप में से कई लोग जिस दिन क्वालिफाई करेंगे तो आपका भी इंटरव्यू करवाऊंगा आप चिंता ना करें आपको भी यहाँ लेकर के आऊँगा आपसे भी बातचीत करूंगा और आप भी अब जो है अपने जूनियर्स के लिए क्या करें एक मार्गदर्शन का काम करें मेरे नाम से आप सर्च कीजिए आपको इंटरव्यूज़ वगैरह भी सारी दिख जाएंगे ठीक है ना सारी चीज़ें मेरे नाम से बुक्स देख लीजिए आपको बुक्स मिल जाएगा एनालिसिस मिल जाएगी मेंस का मिल जाएगा ओरिएंटेशन मिल जाएगा तब जो कुछ भी आप खोजना चाहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी डिमांड है मैं हमेशा कोशिश करता हूं उसको फुलफिल करने का और यही वजह है कि आपने देखा कि अभी जैसे मैंने अभी शुरुआत करी कि हमेशा जैसे मैंने पढ़ाया आपने देखा 2020 के प्रश्न भी वैसे आ गए जैसा मैंने आपको पढ़ाया था 2021 में भी जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गया इनफैक्ट मेंस में क्वेश्चन आ गया आपने देखा था कि पिछले साल मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन मॉरालिटी इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था जो पहला जीएस पेपर का टू का जो पहला क्वेश्चन ही था उसी फॉर्मेट पर आया जिस फॉर्मेट पर मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेट ही वही है कॉन्स्टिट्यूशन मॉरालिटी अब देखिए जिस फॉर्मेट पर पढ़ाया था करंट पेपर वन के भी पेपर टू के भी पेपर थ्री के भी तो करंट अफेयर्स में भी आपके क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं वो पेपर वन टू थ्री से आपके बनता रहे तो इसलिए थोड़ा सा जब मैं कर सकता हूं तो आप भी इस काम को कर सकते हैं तो बस आपको थोड़ा समझना होगा मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो करिए जहां भी आपकी इच्छा है वहां पढ़िए जिधर भी जाना जाइए ठीक है लेकिन अगर आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना है तो थोड़ी गंभीरता और थोड़ी सिंसियरिटी दोनों की जरूरत है दो एस की जरूरत है दैट इज योर सिंसियरिटी एंड योर सीरियसनेस एंड विदाउट दिस टू एस यू कैनॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन आई कैन सिंपली बेट दैट ठीक है ना सो हसीन सपने देखना हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन इस हसीन सपने के लिए जो ये जो आपका लवासना का गेट है ना और ये जो आईएएस है ना दैट इज द हसीना ठीक है ना जिसको आपको अचीव करना है लेकिन इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी वरना सपने तो हर कोई लवासना के गेट के लिए देखता है लेकिन देखिए कितने लोग जाते हैं less than 1% लोग गेट इनसाइड दैट गेट less than 1% 1% से कम लोग उस गेट के अंदर जितने लोग फॉर्म भरते हैं ना जितने लोग सपने देखते हैं ना उसमें से 1% से कम लोग उस गेट के अंतर्गत फाइनली जा पाते हैं एंड यू हैव टू कम विद इन दैट फोर्ट तो ये तभी होगा जब आप सीरियस होंगे जब आप थोड़ा सिंसियर होंगे चॉइसेस आर योर्स ठीक है ना ओके गाइस चलिए सभी लोग समझ पा रहे हैं सो दिस इज योर भितरकनिका नेशनल पार्क राइट
अब देखेंगे यहां पर में कई नदियां हैं जिसकी वजह से यहां पर पानी इसका हमेशा भरा रहता है, इनंडेटेड रहता है, जिसे ब्राह्मणी रिवर, बैथरणी, धामरा एंड पाठशाला, ठीक है, धामरा एंड पाठशाला, ठीक है। सो इट इज इनंडेटेड बाय द रिवर्स ब्राह्मणी, बैथरणी, धामरा एंड पाठशाला, ठीक है ना। सो इट होस्ट मेनी मैनग्रोव स्पेसीज एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। सो भितरकनिका नेशनल पार्क, ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट हमारे पास क्या है मैनग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम। सो नेशनल पार्क इज होम टू साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यहाँ मिलता है, इंडियन पाइथन्स मिलेंगे जिसको अजगर हम लोग बोलते हैं, किंग कोबरा मिलेगा, आप जानते हैं किंग कोबरा देखते ही लोगों को चक्कर आने लगता है, ब्लैक इबिस मिलेगा, डार्टर्स मिलेंगे, मेनी अदर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट यू पीपल कुड फाइंड ओवर हियर। सो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो यहाँ आपको मिलना है, ये तो आप समझ पा रहे बिकॉज इट इज अ मैनग्रोव रीजन, सो यू विल फाइंड ओवर हियर, ठीक है, इनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बातें सब लोग समझ पाए सर। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है गाइस। सो अभी आपको मैं बता दूं कि अभी अपना जो है अभी फिर 10:15 क्लास है अपनी ऐप के ऊपर में, जहां आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की आखिरी क्लास करेंगे। तो हमने आपको बताया था POP 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत कि हम पूरा सिलेबस आपको कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग पोर्शन में, तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये दोनों का दोनों हमारा हो गया, ठीक है ना। आज मेडिवल हिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी एंड पहले मैं फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया करूंगा उसको मैं एंड उसको फटाफट उसके बाद, अच्छा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का क्लास मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बायलिंगुअल में करूंगा, ठीक है ना, दोनों बायलिंगुअल में होगा, यू डोंट वरी फॉर दैट, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे, ये अनअकैडमी के ऐप पे होगा। एंड दूसरा जो है इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है गाइस। तो अभी 10:15 हम लोग रात क्लास में मिलने वाले हैं अनअकैडमी के ऐप पे, जहाँ मेडिवल हिस्ट्री की आखिरी क्लास होने वाली है, ये आज हम लोग करेंगे। तो हमने जैसा आपसे कहा था कि 7-8 डेज में हम लोग एक बार पूरी तरीके से पूरी किताब को रिवाइज कर लेंगे, उसके पूरे एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज करके हम लोग कर लेंगे, सो दैट इज गोइंग टू डन, ठीक है, दैट गोइंग टू बी डन नाउ। सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं POP 2.0 के प्रोग्राम में, सो दैट्स द प्रोग्राम ऑफ योर्स, ठीक है। सो गाइज यहीं रखते हैं हम लोग, आज हम लोगों ने जो कवर किया है वो कितना टॉपिक कवर कर लिया, सो वी डिड कवर्ड इट टिल भितरकनिका नेशनल पार्क 29 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। कल इसी से आगे हम लोग फिर अपनी बात को शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास को समाप्त करना हमारी ज़रूरत होगी। एंड दूसरा एक बात ये भी मैं बता दूं कि अपना जो स्प्रिंट प्रोग्राम है मंडे टू फ्राइडे है, तो कल आपका इन्वायरमेंट नहीं होगा, संडे को आपका इन्वायरमेंट नहीं होगा, ना सैटरडे संडे को आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, ठीक है। बट संडे को 12 बजे अपनी एक क्लास होती है लेट्स क्रैक UPSC पे, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लिया करें, दैट इज़ ऑल पॉलिटी इन द वीक, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, सो उसको ज़रूर कर लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मेंस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनकी तैयारी का असर अच्छा है, तो उनके लिए वो प्रोग्राम बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम है, डोंट मिस दैट प्रोग्राम, ठीक है ना, दैट इज़ इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, बाकी चॉइसेस आर योर्स, ठीक है। सो गाइज ये बातें हो गई, एंड दूसरी बात मैं आपको बता रहा था ये कि मेरी कई क्लासेस अभी प्लस पे हैं, अभी चल भी रही हैं, और कई क्लासेस अभी आने वाली हैं, तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई कोड पावन10, दिस इज माई कोड पावन10, दिस इज माई कोड पावन10, ये मेरा कोड है पावन10 का, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, फॉर माई पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, राइट गाइज। इसके अलावा हम देखेंगे GS प्लस है, ठीक है ना, 3 साल, 2 साल और 1 साल का है, ठीक है ना। जैसे 2 साल के लिए 74,490 रुपये का ये पावन10 का कोड है, आप अप्लाई करेंगे तो 67,041 रुपये का आपका बन जाएगा। इसके अलावा GS आइकॉनिक भी आपके पास है, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 1 ईयर का, जैसे आपने किया 2 साल का है, 115,790 रुपये का पावन10 का कोड आपने अप्लाई किया, सो आपने 10% डिस्काउंट 104211 का बन जाएगा, सो आप जो भी लेना चाहें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास कुछ दिनों के लिए एक ऑफर ये है कि केवल आप GS का पे करें, ऑप्शनल आपको उसी पीरियड का आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने 2 साल का आइकॉनिक लिया तो 2 साल का ऑप्शनल आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना, 2 साल का आपने प्लस लिया, 2 साल का आपको ऑप्शनल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। सो यू जस्ट अप्लाई माई कोड एंड पावन10 एंड टेक द सब्सक्रिप्शन, 3 साल, 2 साल और 1 साल का है, जैसे आपने लिया ये, अगर केवल आपको ऑप्शन लेना है तो GS फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन GS के साथ अभी ऑप्शनल आपको फ्री मिल रहा है। सो अगर मान लें 2 साल का आपने लिया, मेरा कोड आपने अप्लाई किया पावन10 का, तो ये आपका 36,000 रुपये का बन जाएगा, ठीक है। सो ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है जो मैं आपको बता रहा था, ये कि यहाँ पर देखेंगे जस्ट यू कैन सेव, सो आपको 12 महीने का है तो आपको 46,791 रुपये पे करना पड़ेगा, इसी में आपको GS भी पूरे साल भर का और आपको मेंस भी, आपको ये आपको ऑप्शनल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये अभी आपको देखेंगे लिमिटेड टाइम पीरियड है कि आप ये देखिए 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का और ये 36 महीने का, 3 ऑप्शन हैं। सो यू कैन टेक, कहीं भी आप लें, GS पे लें या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे लें, कुछ भी अगर कहीं भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है ना, देन यू कैन सेव दिस मच ऑन योर दैट, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है। सो दिस इज माई कोड पावन10, जस्ट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन। अभी मेरी एकदम बिल्कुल NCERT से और वो भी एकदम एडवांस लेवल तक, ठीक है ना,
वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये आप लेकर के आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस, मेरा गवर्नेंस और पॉलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी जस्ट पढ़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और बाकी अभी कई और क्लासेस लेकर के मैं आप लोगों के लिए अभी आ भी रहा हूँ अभी और भी, ठीक है। सो गाइज, ये अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज का है विन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, 27 मार्च को उसको ज्वाइन जरूर कीजिए गाइज, ठीक है। इसके अलावा ये अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल नाउ, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास पर्सनल कोच एंड लाइव मेंटरशिप का प्रोग्राम है, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एडुकेटर्स मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आइकॉनिक के साथ आपके पास क्या है, पर्सनलाइज लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मैं हमेशा इंसिस्ट करूंगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, जस्ट गो फॉर आइकॉनिक यूजिंग माई कोड पावन10, ठीक है। सो चेज योर यूपीएससी ड्रीम विद लोन, इसी वीडियो के नीचे आपके पास लोन का लिंक भी दिया गया, जहां मेरा नाम मेरा कोड लगा करके आप जो है अनअकैडमी का लोन भी ले सकते हैं, जिस पे कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, कोई आपको जो है सो पैसे देने की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो फी है उतनी ही पे आपको उतना ही पे करना है आपको। सो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां अपने कनेक्ट अपने मेंटर के साथ जुड़ सकते हैं, अपने लिए प्री स्लॉट बुक भी कर सकते हैं। सो ये बैचेस अभी कल से शुरू है, 9th of March से इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम बैचेस भी है, अनबाइलिंगुअल MCQ बैचेस भी कई चल रहे हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं 2022-23 का। थैंक यू वेरी मच गाइस। सो अभी क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आइकन बेल को जरूर इसमें बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। और जो लोग ऑलरेडी हैं वो सेशन को अगर आपको लगता है कि इट इज़ अ वर्थ, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और PDF के लिए आप मेरे जो है सो क्या करें पॉलिटी ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अभी हम लोग 10:15 बजे अपनी क्लास होने वाली है POP की, जहां हम लोग आज मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की आखिरी कक्षा को करने वाले हैं गाइस। सो आई विल वेलकम यू गाइस, जो भी आप इच्छुक हैं आप आ सकते हैं, और जो पहली बार आ रहे हैं मेरा इनवाइट कोड लगा करके आइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस इनवाइट कोड है पवन10, वो लगा करके उसको ज्वाइन करिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स, बाय।